28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस होता है, उन्होंने अपने आहुति दी और उनकी याद में हम इस तरह का काम करना चाहते हैं कि सामाजिक सेवा हो, कि लोग उनको याद करें। किस तरीके का आयोजन रहेगा, क्योंकि अब सिरसा चिट्टे के शिकार भी होने लगा है? हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे नशे से कैसे बचाएं। एक दिन आग हम तक भी आनी, आज हो सकता है किसी और बच्चे का बच्चा नशा कर रहा हो, तो आज हमें लगता है भी उसका बच्चा नशा कर रहा है, हमें क्या है, लेकिन वो आग हम तक भी आएगी। एंटरटेनमेंट की बात आपने जो करी उसमें हरियाणवी और पंजाबी सिंगर आ रहे हैं, उसमें जो मुख्य हमारे कलाकार हैं कुलविंदर बिल्ला जी इसमें आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि राजनीति का वक्त है और आने वाले समय में चुनाव है, पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी राजनेताओं से कि सभी को एकजुट होकर राजनीति ना करते हुए राजनीति से उठकर सभी को एक मंच से इस दलदल से बचने के लिए सबको एक मंच पर आना चाहिए। हरियाणा में जिस प्रकार नशा तेजी से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर प्रशासन से लेकर आम वर्ग भी चिंतित है। आगामी तारीख को सितंबर को 28 तारीख को सिरसा में एक विशाल रोड शो किया जाएगा, जिसमें प्रयास संस्था है और शहीद भगत सिंह ट्रस्ट है। तमाम जानकारी लेंगे कि नशे की रोकथाम को लेकर ये किस तरीके की संस्थाएं काम कर रही हैं और शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर ये जो एक बड़ा नशे के खिलाफ आयोजन करने जा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले नाम बताएं, संस्था का नाम बताएं। मेरा नाम राहुल कामरा है जी, मैं महासचिव हूं शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट और प्रयास संस्था से। मैं धन्यवाद करता हूं सच कहूंगा जिन्होंने हमारी इस बात को जनता तक पहुंचाने का कष्ट किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने बताया कि 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस होता है, उन्होंने अपने आहुति दी और उनकी याद में हम इस तरह का काम करना चाहते हैं कि सामाजिक सेवा हो, कि लोग उनको याद करें। हमने एक प्रयास किया, प्रयास संस्था जो कि एडीजीपी श्रीकांत यादव जी की है, उनका प्रयास नशा मुक्त हरियाणा, और हमने उनके मार्गदर्शन में हमारी संस्था ये काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से जो युवा पीढ़ी है, आने वाली युवा पीढ़ी खेलों में जाकर नशे से दूर होगी। और इस तरह के कार्यक्रम अगर हम करते रहते हैं, कोई भी संस्था इस तरह का कार्यक्रम करती रहती है, तो निश्चित तौर पर ही बच्चों में जागरूकता आती है, खेलने की भावना आती है, तो इस तरह के कार्यक्रम निरंतर चलते रहने चाहिए। भाई साहब, आपकी संस्था का नाम भी प्रयास संस्था है, नशे के खिलाफ किस तरीके के और भी प्रयास आपकी संस्था करती है? नशे के खिलाफ जिस प्रकार हमारा, मैंने आपको बताया कि हमारे श्रीकांत यादव जी हैं, जब हम उनकी स्पीच सुनेंगे तो निश्चित तौर पर ही जो बच्चे दलदल में पड़ चुके हैं वो तो बाहर आएंगे, पर उनकी स्पीच सुनने के बाद, उनके मार्गदर्शन लेने के बाद, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि वो इस दलदल में जाएंगे ही नहीं नशे की तरफ। उनका मार्गदर्शन करने का जरिया ही एक बहुत बढ़िया है, वो अपने तरीके से इतने लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इसमें कामयाब होंगे। हमारे साथ शहीद भगत सिंह ट्रस्ट के मेंबर भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान है, किस तरीके का आयोजन रहेगा, क्योंकि भी अब सिरसा चिट्टे का शिकार भी होने लगा है, तमाम जो इलाके हैं नशा बढ़ता जा रहा है, आपकी संस्था एक शहीद आजम भगत सिंह के नाम से है, किस तरीके काम करेगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे नशे से कैसे बचाएं। ये जो हमारा 28 सितंबर का प्रोग्राम है ये शहीदों को समर्पित है। आपको पता है शहीद आजम भगत सिंह ने हमारे देश के लिए अपने जान कुर्बान कर दी, तो हमारी जो संस्था उनके नाम से है और हम चाहते हैं कि संस्था जैसे उन्होंने हमारे देश के लिए काम किया तो वैसे ही जो है समाज में वैसे ही काम हो, अच्छे काम हो। तो 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रयास फाउंडेशन व शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा एक विशाल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है भाई जो हमारे युवा साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से जुड़ें, भी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो खेलों से जुड़ें और नशे से दूर रहें। तो इसके लिए हमने मैराथन दौड़ का आयोजन किया है। उसके अलावा हम कपास मंडी सिरसा में सुबह 10 बजे डिडिक्शन कैंप भी लगाएंगे। उसके साथ इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो श्री श्रीकांत एडीजीपी साहब हैं, इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। उसके अलावा बहुत सारे धर्मगुरु भी पहुँच रहे हैं इसके अंदर, जैसे बाबा ब्रह्मदास जी पहुँच रहे हैं, बिंदु दीदी इसमें पहुँच रहे हैं, और भी ऐसे जो हमारे संत हैं वो इस प्रोग्राम में पहुँच रहे हैं, उनका हमें सहयोग मिला है। नशे के खिलाफ
वो भी चाहते हैं भी एक आवाज़ उठाई जाए। और सिरसा डिस्ट्रिक्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रस्त है नशे को लेके, तो हमारा जो है वो नशे पे प्रहार है। हमारा जो एक स्लोगन है नशा भगाओ और युवाओं को खेलों के साथ जोड़ो, तो इसके लिए हम मैराथन दूसरी मैराथन ये दौड़ कर रहे हैं। पहली हमने अहलाबाद में की थी, दूसरी हम सिरसा में कर रहे हैं। तो उसके अलावा इसमें तकरीबन जितने भी बच्चे जो दौड़ रहे हैं प्रतिभागी जो आएंगे, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे महिलाएं हैं हमारी बेटियां बहनें जो भी आएंगी, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का भी प्रबंध किया गया है। उसके अलावा जैसे हमारे पत्रकार साथी हैं उनका बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम को सक्सेस कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नशे से तो समाज सारा जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप लोग हैं चाहे हम लोग हैं चाहे वो प्रशासन है चाहे कोई नेता है, सब वो यही चाहते हैं नशा इस समाज से जो दूर हो। तो ये आपका भी आप इसमें हमारी बड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो आपके लिए और जो प्रशासनिक लोग हैं उनके लिए या जो बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था भी वहाँ हमने करी है। तो मैं तो सबको आपको यही कहना चाहूँगा भी इस जो नशे जैसी भयंकर बीमारी है इससे बचने में आप हमारा सहयोग करें, और हमारी संस्था जो है वो आगे भी ऐसे सामाजिक कार्य और भी करती रहेगी, नशे पे चोट करती रहेगी। आपका सहयोग और आपका प्यार चाहिए। दीपक जी, कौन कौन लोग होंगे, कोई रजिस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है या कोई और एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई और कलाकार यहाँ पे? इसमें ना भाई साहब हमने ना एक QR कोड लॉन्च किया है, तो कोई भी अगर आदमी इसमें मैराथन में भाग लेना चाहता है, बेटी है हमारी बहन है जो भी बुजुर्ग हैं हमारे युवा साथी हैं, तो वो QR कोड स्कैन करके अपना चेस्ट का नंबर और अपना फॉर्म भर सकता है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट की बात आपने जो करी उसमें हरियाणवी और पंजाबी सिंगर आ रहे हैं, इसमें जो मुख्य हमारे कलाकार हैं कुलविंदर बिल्ला जी इसमें आ रहे हैं, काफ़ी उनका चर्चित वो है, उनका नाम बड़ा है पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर, वो आ रहे हैं। उसके अलावा जो है हमारे वीनू गोड जी आ रहे हैं हरियाणवी सिंगर, एक हमारे बेटी है अंजलि 99 वो आ रही है, विनोद शिम्पा जी इसमें आ रहे हैं। उसके अलावा एक क्रेज़ है एक नाम से है जो अपने जो हरियाणा के अंदर जो रैप गाते हैं वो भी आ रहे हैं, तो उसमें और भी आगे नाम और भी जुड़ेंगे इस श्रृंखला में, जो सिंगरों की श्रृंखला में और भी नाम जुड़ेंगे। और मकसद हमारा सिर्फ ये लोगों नशे से दूर किया जाए, हम चाहते हैं जितने भी युवा हैं और इसमें इसमें पार्टिसिपेंट भागीदारी करें इस प्रोग्राम के अंदर। दीपक जी, आखिरी सवाल लूँगा, जिस तरीके से इलेक्शन का समय भी नज़दीक है, क्या आपको लगता है कि नशे का मुद्दा राजनीतिक लोगों को उठाना चाहिए? देखिए, ये तो हमारा सभी का मुद्दा है जी, चाहे वो पत्रकार साथी हैं चाहे वो, मैंने पहले भी आपको बताया भाई, ये तो देखिए एक दिन आग हम तक भी आनी है। आज हो सकता है किसी और बच्चे का बच्चा नशा कर रहा हो, तो आज हमें लगता है भी उसका बच्चा नशा कर रहा है हमें क्या है, लेकिन वो आग हम तक भी आएगी। हमने मैं आप बताता हूँ आपको दिल सही बात है, मैंने ऐसे ऐसे लोग अपनी आँखों से खोए हैं या हमारे आँखों से दूर हो गए जो हमारे साथ हुआ करते थे, सच्चाई में कह रहा हूँ। ये पीड़ा इतनी है मैं आपको बता नहीं सकता भी, हम इसलिए इस मुहिम में जुड़े हुए हैं नशे के खिलाफ क्योंकि हमने तो अपने दोस्त भी खोए हैं नशे के अंदर, जो लोग हमारे साथ खेले थे जो लोग हमारे साथ स्कूल गए थे वो आज दुनिया में नहीं है। तो हम दोनों भाई ने इसलिए इस दोनों राहुल कामरा और भाई बड़ा हमारा और मैं, हम इसलिए इस मुहिम से ज़्यादा जुड़े हुए हैं भी, हमने ऐसे लोग खोए हैं जिन लोगों ने अपनी जान नशे के कारण खो दी है, तो हमें बड़ी तकलीफ़ है इस बात की। देखिए, पैसा हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए समाज में जो ये चीज़ें हो रही हैं उसको दूर करना है, बुराइयां समाज में दूर करना है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि राजनीति का वक्त है और आने वाले समय में चुनाव है, पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी राजनेताओं से कि सभी को एकजुट होकर राजनीति ना करते हुए राजनीति से उठकर सभी को एक मंच से इस दलदल से बचने के लिए सबको एक मंच पर आना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए और तभी हम अपने हरियाणा को बचा पाएंगे, अपनी युवा पीढ़ी को बचा पाएंगे। चुनाव में लोगों को जागरूक करेंगे नशे के खिलाफ? निश्चित तौर पर, चाहे हमारा काम राजनेता का नहीं है, हमारा काम राजनीति का नहीं है, हम राजनीति से ऊपर समाज सेवा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और आने वाले चाहे चुनाव आए ना आए हमारा ये कार्य निरंतर चलता रहेगा राजनीति से हटकर। तो ये थे हमारे साथ शहीद भगत सिंह ट्रस्ट के प्रधान और प्रयास संस्था के प्रधान, इनसे हमने बातचीत करी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आगामी 28 सितंबर को नशे के खिलाफ बड़ी सिरसा में मैराथन दौड़ की जाएगी और उसमें तमाम जो कलाकार भी आएंगे और जिस तरीके से प्रदेश के ADGP श्रीकांत यादव जी भी इस रैली में शिरकत करेंगे।